वक्त की बड़ी खबर, खुफिया एजेंसियों ने बड़ा पर्दाफाश किया है साजिश का। दरअसल ये साजिश है पाकिस्तान की तरफ से। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने दो लॉन्चिंग पैड तैयार किया पाकिस्तान की मदद से। पहले लॉन्चिंग पैड में 15 आतंकियों के होने की खबर है, जबकि दूसरे में 30 आतंकी मौजूद है। और खबर ये है कि आतंकी भारतीय सीमा में हमला करना चाहते हैं, जबकि कुछ आतंकी हमले के बाद भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में है। तो खुफिया एजेंसियों की तरफ से इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने 15 दिनों में ये लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की मदद से तैयार किया। हम सीधे रुक कर देते हैं हमारे सहयोगी अमित सिंह की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या है ये पूरी साजिश, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके से लगातार पाकिस्तान की कोशिश है आतंकियों को दाखिल कराया जाए, और इसी सिलसिले में कई आतंकी कैंप रीएक्टिवेट किए थे। तो अब जो ताजा जानकारी मिली है, 3 प्रमुख जगहों पर उन्होंने आतंकी एक्टिवेट हुए हैं और इनमें से 2 लॉन्चिंग पैड को एक्टिवेट किया है। एक कारी जुबैर मंधेर इलाके में है और एक मडिरान इलाके में है। कारी जुबैर मंधेर इलाके में 15 आतंकियों के मौजूद होने की खबर है, जबकि मटिरान इलाके में 30। इसके अलावा कुपवाड़ा के आसपास जो आतंकी हैं, 8 आतंकियों के मूवमेंट की खबर देखी गई है। तो कुल मिलाकर इससे पहले भी करीब 20 दिन पहले जो इनपुट मिले थे कि आतंकी कैंप, करीब 15 आतंकी कैंपों को रीएक्टिवेट किया गया। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों को दाखिल कराया जाए, हर तरीके से। बिल्कुल, और इसी तरीके के मद्देनजर अब पाकिस्तान की बड़ी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है और 2 लॉन्चिंग पैड लश्कर तैयबा की तरफ से तैयार किए गए। शुक्रिया अमित, इस तमाम जानकारी के लिए। उधर दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी घुस गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा अलर्ट मिला है। जैश के आतंकी रामलीला, दशहरा और दिवाली के मौके पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमला कर सकते हैं, और ये बताया गया कि आतंकी अचानक भीड़ में घुसकर हमला कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आतंकी ड्रोन से भी हमला करने की फिराक में है, जिसके बाद हर जगह सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। तो जो खबर मिली है उसके मुताबिक 4 जैश के आतंकी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं कश्मीर के रास्ते से, और इन सब के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो गाड़ियां निकल रही हैं उनकी चेकिंग हो रही है, जो भी संदिग्ध दिख रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे इलाके जो भीड़भाड़ भरे वाले हैं उनमें साजिश रचने की कोशिश ये 4 आतंकी कर सकते हैं, हथियारों से लैस हैं, जिसके बाद सुरक्षा अलग अलग इलाकों में कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता दें, दरअसल आतंकी घुसे हैं जैश के 4 दिल्ली में, जिसके बाद बड़ा हमला करने की जो अलर्ट है उसको जारी किया गया है कि बड़ा हमला ये आतंकी कर सकते हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इन आतंकियों के पास हथियार भी हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जिनको ये निशाना बना सकते हैं, और इन सब के बावजूद जो तैयारी है वो कड़ी कर दी गई है। त्योहारों पर ये आतंकी गड़बड़ी मचा सकते हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, किस तरीके से सुरक्षा कड़ी की गई है? जी देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें कनॉट प्लेस की दिखा रहा हूँ। पालिका बाजार के बाहर आप देख रहे हैं जो डॉग स्क्वाड है उसके साथ सर्च ऑपरेशन जो है दिल्ली पुलिस का यहाँ पर चल रहा है। घंटों से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। ऐसे तमाम जितने भी महत्वपूर्ण बाजार हैं, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, विदेशी टूरिस्ट हैं, उनका आना जाना ज़्यादा होता है, वहाँ पर सघन तलाशी लेने को बोला गया है। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज और एसीपीज हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं अपने अपने एसएचओस को कि वो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरह से आईबी का अलर्ट स्पेशल सेल को मिला उसके बाद कल करीबन 9 लोकेशन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्वाट कमांडोज के साथ सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें पहाड़गंज, करोलबाग, कनॉट प्लेस, इसके अलावा बिरला मंदिर, अक्षरधाम मंदिर और कई महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान थे वो शामिल थे, जहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कमांडोज के साथ पहुंची थी। क्योंकि अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जो जैश मोहम्मद के 4 संदिग्ध आतंकी हैं वो राजधानी दिल्ली में घुसे हुए हैं, हथियारों के साथ लैस हैं और बड़ी तबाही मचाने की वो फिराक में। उसके बाद आप देख सकते हैं जो खोजी कुत्ते हैं, डॉग स्क्वाड है, उसके साथ पूरी जो मार्केट है उसकी तलाशी ली जा रही है। पैनी नजर चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है, कोई भी संदिग्ध अगर मिल रहा है तो उसकी तलाशी ली जा रही है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। तो इस तरह के सुरक्षा इंतजाम राजधानी दिल्ली में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। अमित सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर किस तरीके से चल रहा है तलाशी अभियान?
जी आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। अत्यंत भीड़भाड़ वाला इलाका है, सरोजनी नगर मार्केट है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनकी उन सबकी यहाँ पर मेटल डिटेक्टर के जरिए यहाँ पर चेक किया जा रहा है। इसके अलावा आप जैसे ही एंट्रेंस गेट से एंट्री करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AK-47 लेकर एक जवान जो है यहाँ पर सरोजनी नगर मार्केट में अंदर तैनात है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि जो ऊपर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मचान पर दिल्ली पुलिस का एक जवान जो है वो यहाँ पर लगातार AK-47 लेकर यहाँ पर अपने हथियार के साथ मुस्तैद है, और उसकी जो नज़र है उसकी नज़र चारों तरफ है। और दूसरी तरफ आप देखिए सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है, वो लगातार चेक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पुलिस के जवान है, हाथ में इनके वायरलेस सेट है, और ये एक शख्स का पर उनको शक हुआ है, और उसके बाद इस शख्स के बैग को चेक किया जा रहा है। तो इस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं सरोजनी नगर मार्केट में, जो कि अत्यंत भीड़भाड़ वाला मार्केट है। और इस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो इस मार्केट में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर इनकी पैनी नज़र है, और लगातार जिन पर भी इन्हें शक होता है उसे तुरंत रोक कर चेक किया जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जितनी भी जहाँ पर ये सब जो शॉपकीपर्स हैं अपने जो सामान बेचते हैं, वहाँ पर कोई भी संदिग्ध सामान, किसी का बैग वगैरह, ये तुरंत जैसे ही देखते हैं उसे रोक कर वहाँ पर चेक किया जाता है। और जब इन्हें कुछ इस तरीके से इनको बताया गया, इनके सीनियर अधिकारियों ने इस तरीके से इनको ब्रीफ किया है कि अगर जैसे ही इन्हें लगे कि कोई संदिग्ध सामान है उसे वो तुरंत फोन करके थाने में जानकारी देते हैं, उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल टीम वगैरह यहाँ पर तुरंत पहुंच जाएगी। यहाँ देखिए किस तरीके से ये लोग गश्त लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मचान पर जो है दिल्ली पुलिस के जवान एक अपने हथियार के साथ पैनी नजर गड़ाए हुआ है। और यहाँ पर आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर लगातार एक एक कोने में यहाँ पर चेक किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर खोजी कुत्ते भी थे, खोजी कुत्ते ने भी यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड था, डॉग स्क्वाड ने भी यहाँ पर चेक किया। उसके बाद से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं हर वो शख्स पर जो शख्स लगातार यहाँ पर घूम रहा है और उस पर शक होता है, उस पर इनकी ये नज़र है। देखिए इन्होंने अभी एक शख्स को यहाँ पर बुलाया है, आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में ये शख्स दूर से इन्हें देख रहा है, उसके बाद उसे बुलाया गया है यहाँ पर और उससे यहाँ अभी फिलहाल यहाँ बात कर। तो इस तरीके का इंतजाम दिल्ली के हर एक बिल्कुल हमारे साथ दीपक विश्व अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं, पहाड़गंज दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, वहाँ पर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है? पहाड़गंज मार्केट में हूं और सीधा दिखाऊंगा पहाड़गंज को, तो आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि जो बीट स्टाफ है वो यहां से लेकर पूरी मार्केट में जो है वो लगातार गश्त कर रहा है, और खासतौर से उन लोगों को कुछ निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये चीज़ें हमें नहीं बताई, लेकिन दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि रात को सेल स्पेशल की टीमें आई थी कुछ यहाँ पर और कई जगह पर यहाँ पर जरूर घूमी थी, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि किन किन होटलों में गई थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक तादाद लोगों की होती है जो बाहर से आते हैं, खासतौर से विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं, और दूसरा जो टूरिस्ट है देश भर का वो पहाड़गंज मार्केट में आता है। तो पहाड़गंज मार्केट में जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार राउंड पर हैं, और ये कोशिश की जा रही है क्योंकि जिस तरह का इनपुट मिला हुआ है कि 4 से ज़्यादा जैश का आतंकी दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और खासतौर से फिदायन हमला करने की उनकी जो है मंशा है, लेकिन इस मंशा को बेनकाब करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें जो है अलग अलग और सादी वर्दी में यहां पर लगी हुई हैं। कोशिश की जा रही है कि उस इनपुट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, और खासतौर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कहना है कि वो देर रात जो है रामलीलाओं पर भी नजर रख रहे हैं। जी शुक्रिया आप सभी का। उधर पटना में भले ही अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी निकल नहीं पाया और लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। पटना के पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर में सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी अभी भी भरा है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, कहीं कहीं तो सड़कों पर पानी के बीच ही गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। बिहार में बाढ़ की वजह से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये हालात पटना के अलग अलग इलाकों के हैं। बारिश हालांकि थमी हुई है, गनीमत सिर्फ इस बात की है, लेकिन पानी का स्तर जो है, जो भरा है पानी, वो कम नहीं हो रहा है, जिसके कारण महामारी फैलने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि फॉगिंग अलग अलग इलाकों में की गई है ताकि मच्छर जो है वो वहां ना पनपे, और लोगों को कहीं भी आने जाने में अभी भी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि कमर से ज्यादा तक पानी अभी भरा हुआ है। ये करीबन 10 दिन हो गया, लगभग कम नहीं हुआ है, नहीं हुआ, बहुत परेशानी है। ये घुटने में दर्द हो जाता है, दिन रात सुबह भी आते हैं तो पानी में जाते हैं इतना दूर, और शाम को भी आते हैं तो पानी में, कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं, नहीं इधर ना उधर ना उधर, कहीं भी नहीं। हाँ दिक्कत तो हो ही रहा है, क्या कीजिएगा, ऑफिस तो जाना अब है ना, पानी है तो भाई ड्यूटी है। आज ऑफिस ये तो हो गया 7 दिन 8 दिन।
पटना के राजेंद्र नगर इलाके में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, तो वहीं राहत पहुंचाने के लिए भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके के रहने वाले लोगों को किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर लोगों तक पानी और ज़रूरत के सामानों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद यह सामान नाकाफी साबित हो रही है और यही वजह है कि जो बाहर आ रहे हैं रेस्क्यू कर वो साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अब तक राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। और आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं किस तरह से इस इलाके में जल जमाव हो गया है और जो लोग अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं उनके लिए राज्य सरकार की ओर से यह दावे किए जा रहे हैं कि ज़रूरत के सामानों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी इधर साकेतपुरी और बाजार समिति इलाका है जहां पर हजारों लोग फंसे हुए हैं और यह राज्य सरकार की ओर से यह दावे किए जा रहे हैं, उस दावे में कितनी हकीकत है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। पटना में पिछले 72 घंटे से बारिश नहीं हुई है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटना का राजेंद्र नगर इलाका है और इस इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी है। आगे आप जहां तक जाएंगे 4 फीट 5 फीट तक पानी है और अब पानी धीरे धीरे सड़ने लगा है, जो लोगों के सामने महामारी के रूप में दस्तक देगा। इसके लिए राज्य सरकार कितना तैयार है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी यह साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी सड़ रहा है और जो लोगों का सामान था वो धीरे धीरे पानी में बाहर आ रहा है। ऐसे में लोगों के सामने महामारी और बीमारी अब दस्तक देगा, जो राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि यह साफ तौर पर कहा जा रहा है राज्य सरकार की ओर से कि इस पानी को जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में पानी इसी तरह से जमा हुआ है, लेकिन अब तक कोई समुचित इसका हल नहीं निकाला गया है। हालांकि यह ज़रूर कहा जा रहा है कि मेगा पंप बाहर से मंगाया गया है जो लगातार डिवाटरिंग कर रहा है, लेकिन यह पानी कब तक बाहर आ पाएगा इसका जवाब न राज्य सरकार के पास है और न नगर निगम के पास। ऐसे में आप समझ सकते हैं और एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि पटना में ज़ोरदार बारिश हो सकती है। तो अगर बारिश हुई तो उसके बाद इस इलाके का क्या हाल होगा, आप इन तस्वीरों को भी देख लिए और आगे समझ सकते हैं कि लोग फिर जो फंसे हुए हैं वो कैसे निकल पाएंगे और जो अब तक इस इलाके से बाहर नहीं आ पाए हैं उनको राज्य सरकार कैसे निकाल पाएगी। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज 18 इंडिया। का जो इलाका है वहाँ पे भी पानी जो है वो अभी लगा हुआ है। हालांकि पानी का जो स्तर है, जल स्तर जो है इस इलाके में जो जलमग्न की स्थिति हुई थी वहाँ पे पानी का लेवल जो है वो काफ़ी नीचे आया है, घुटने से नीचे पानी आ गया है। लेकिन जो तस्वीर रवि दिखा रहे हैं वो बिल्कुल चिंताजनक है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को उस और भी ध्यान ले जाना चाहिए। इसी को लेकर के कुमार रवि से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर उन इलाकों में भी राहत कार्य जो है वो चलाए जाएंगे, पहुँचाए जाएंगे और इस दिशा में जो है दिशा निर्देश जारी किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सुकन्या कि चाहे हम बात राजेंद्र नगर की कर ले, बात कंकड़बाग की कर ले, बात हम कदमकुआ की कर ले, बात हम बहादुरपुर की कर ले, गोला रोड की कर ले या आरपीएस मोड़ इलाके की कर ले, तो इन इलाकों में अब तक जल जो है वो क्यों नहीं निकला। सिर्फ कंकड़बाग को छोड़ दे तो अभी कमोवेश सभी इलाके में जो है वो पानी लगा हुआ है, जल जमाव की स्थिति से लोग उबर नहीं पाए हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोगों में आक्रोश है, लोग जो है अब खींचने लगे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है वो दावा किया कर रहा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2 दिन में पानी निकल जाएगा, आज 6ठा दिन है पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों का जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उस पर उसको लेकर के शासन प्रशासन में नाराजगी भी जो है वो लोग जाहिर कर रहे हैं। और इस बीच पटना के डीएम ने बाढ़ के हालात से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जताई है। राजेंद्र नगर इलाके से जल निकासी का काम लगातार जारी है, खुद जिलाधिकारी जो हैं वो लगातार इन इलाकों में मुआयना कर रहे हैं और देख सकते हैं कि अपने दल बल के साथ जिलाधिकारी जो है कुमार रवि फिर से पहुंचे हैं इलाके में। सर कितना पानी निकला है और अभी यहाँ पर राजेंद्र नगर में पानी पिछले 3 दिनों में काफ़ी कुछ निकला है और उसके कारण अभी कुछ जगहों पर कुछ ट्रैक्टर्स भी चल रहे हैं और रात्रि में भी हम लोगों ने
जो वहाँ रामपुर सम्प हाउस में अतिरिक्त सम्प लगाए हैं उसके कारण भी इसके राजेंद्र नगर में और बाजार समिति के क्षेत्र में जल जमाव में काफ़ी कमी आई है। दिनकर गोलंबर पर लगभग पानी खत्म हो गया है और अभी परिचालन की स्थिति हम लोग नॉर्मलाइज करने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए सर, जिन इलाकों में पानी पूरी तरह से निकल चुका है जैसे कंकड़बाग के इलाके हैं, उन इलाकों में लोगों का कहना है कि जो छिड़काव होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा, तो उस दिशा में उसमें अभी मैंने खुद ब्रीफिंग किया है। 75 टीम हमारी निकली है जिसमें नगर निगम की टीम है और हेल्थ विभाग की टीम है, उनके द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का और चूने के मिक्स का छिड़काव किया जाएगा, फॉगिंग किया जाएगा और इसके साथ साथ हैलोजन टैबलेट्स भी हम लोग अलग से बांट रहे हैं। और लोगों को, जिन लोगों के घर में भी पानी घुसा है और वो जा रहे हैं तो वहाँ पर उसको उसकी आधे कीजिए कि उनको वो भी दी जाएगी, पोटली दी जाएगी जिसको अपने घर के अंदर छिड़काव के लिए उपयोग कर सकते हैं। पटना के पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर के अलावा कई और इलाकों में भी 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। गोला रोड में भी हालात अलग नहीं है और वहां भी अभी तक सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पटना के कुछ इलाकों से जलजमाव जरूर निकल रहा है लेकिन पटना के कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। अभी जहां खड़ा है वो पूर्वी गोला रोड है और इस गोला रोड की आपको स्थिति दिखाते हैं कि यहाँ पे हालत जो है वो बद से बदतर है। अभी भी जो है वो कमर भर से ज़्यादा पानी है और इस पानी में डूब कर जो लोग हैं वो चलने पर मजबूर हैं। देख सकते हैं सामने जो बच्चियाँ हैं वो, उन्हें ट्यूशन जाना है, उन्हें क्लास जाना है लेकिन किस कदर जो है वो पानी पर डूब कर जाने को मजबूर है। ये हालात है पटना के पूर्वी रोड गोले की। यहाँ पे इकलौती व्यवस्था है लोगों के लिए, जो ये ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर एक इकलौती व्यवस्था है जो यहाँ से जाती है और जाने के बाद लोगों को यहाँ से लेते हुए बाहर करती है। ये पटना का पूर्वी गोला रोड का इलाका है। ज़रा देखिए कि कैसे यहाँ स्थिति बद से बदतर हो गई है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? हम ऑफिस जाने का प्रयास कर रहे हैं, पटना डेयरी सुधा डेयरी में हम काम करते हैं लेकिन इस परिस्थिति में हम कैसे जाएं समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही ट्रैक्टर से ही रोज जाना पड़ता है? हाँ, क्या करें, जहाँ तक पानी है वहाँ तक तो जाना ही पड़ता है। आज 8 दिन से, करीब 5-7 दिन से हम इसी में पड़े हुए हैं। न कोई वार्ड वाला आया, न कोई सरकार आई। खाली सरकार जो है एग्जीबिशन रोड और पटना ये बेली रोड फलाना चिलाना बनाते रहती है, इधर के रोड पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है, कितनी बहुत मुश्किल है। अब तो भाई इस पर ध्यान नहीं देगा तो आउट रेड अलर्ट येलो अलर्ट का समाचार 2 दिन के बारिश का और मिल रहा है तो इसके बाद की समस्या क्या होगी तो अब तो 2 दिन बाद ही पता चलेगा। और ऐसा ये ज़रा देखिए कि यहाँ से जो है वो किस कदर जो लोग हैं वो परेशान हैं और यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं वो जो है वो भी अपने निकल रही हैं। महिला कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल जा रहे हैं हम लोग और आज जाना है जी। और एक हफ्ते से यहाँ पे इसी तरह का सिचुएशन बना हुआ है, कोई इसमें रिलीफ नहीं है, कोई बोट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने निकले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पुनपुन नदी में डूबने से बाल बाल बच गए। हुआ यूं कि रामकृपाल यादव रबर की ट्यूब से पानी बनी एक नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले और इसी नाव की मदद से रामकृपाल यादव ने अपने कुछ समर्थकों के साथ पुनपुन नदी को पार करने की कोशिश की लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद नाव का संतुलन अचानक से बिगड़ गया और रामकृपाल यादव समेत सभी लोग नदी में गिर गए। रामकृपाल यादव की नदी में गिरते ही वहां हड़कंप मच गया। बाद में लोगों ने उन्हें काफी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। तो ये पहली तस्वीर आप देखिए, संतुलन वहां पर बिगड़ा और उसके बाद रामकृपाल के साथ जितने लोग वहां मौजूद थे वो पानी में डूबते दिखते हैं। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर जो लोग हैं उन्होंने उन्हें बाहर निकाला, गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठने के बाद भी काफी बेसुध से रामकृपाल यहाँ पर नजर आए क्योंकि नाव जो है उनकी पलट गई। काफी देर उनको पानी में रहना पड़ा और हड़कंप मच गया उस वक्त जब ये नाव दरअसल संतुलन बिगड़ा और ये लोग पानी में गिर गए थे। तब
उधर पटना सिटी के बहादुरपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने पानी भरने की परेशानी को लेकर बीजेपी विधायक के वहां पहुंचते ही जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बीजेपी विधायक की गाड़ी को घेर लिया। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने बीजेपी विधायक को सुरक्षित वहां से निकाला। दरअसल लोगों का ये गुस्सा है जो विधायकों और नेताओं को देखकर फूट पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई दिनों से ये लोग रहने को मजबूर हैं। वहीं बिहार के भागलपुर में भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। भागलपुर में कई जगह मकान में पानी भर गया, सड़कें पानी में डूब गई। कई जगह तो लोग नदी पार करने में जान का खतरा उठा रहे हैं। भागलपुर में एक आदमी लोहे की कढ़ाई में दो बच्चों और एक दूसरे आदमी के साथ नदी पार करता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं प्रशासन लोगों तक मदद पहुँचा रही है। वही बिहार के मधेपुरा में बाढ़ से हालात काफी खराब है। बाढ़ से परेशान लोगों ने सरकारी स्कूल में शरण ली, लेकिन वहां भी पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोग स्कूल की छत पर रहने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिन से मधेपुरा में लोग बाढ़ से परेशान हैं। बिहार के अररिया में बलिनिया नदी जो है वो उफान की वजह से वहां पर एक गांव में पानी घुस गया है, और इस गांव में पानी घुसने से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। ये लोग गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। गांव वाले जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर निकल गए। गांव के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा।